सकते हो दोस्तों, कढ़ाई मेरा प्रोग्राम हो गया। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल, बस इतना ही डालना है। तेल मेरा प्रोग्राम हो गया। अब इसमें डालो कुछ खड़ा मसाला, यह है तेजपत्ता, दालचीनी, दालचीनी, इलायची, इसके बाद डालेंगे प्याज। प्याज मेरा 200 ग्राम था। इसको डाल के अच्छे से चला लेना दोस्तों। जब तक प्याज पर लाल ना हो जाए तब तक चलाना है दोस्तों। तो 2 से 3 मिनट में प्याज मेरा लाल हो जाएगा। प्याज को गलने के लिए 1 चम्मच नमक में डाल रहा हूँ दोस्तों। नमक का डाल के थोड़ा चलाना है प्याज जब तक गल ना जाए। ये मेरा आधी लहसुन का पेस्ट और जीरा गोलके का पेस्ट है, जो पहले से मैं पेस्ट बना लिया था। अब इसमें पेस्ट डालो। प्याज मेरा पूरा लाल है वो दोस्तों, देख सकते हो। अब इसमें डालेंगे आधी लहसुन का पेस्ट। इसको करीब 2 मिनट चलाना है डाल के, जब तक आधी का कच्चापन खत्म ना हो जाए। ये हाफ के जी मेरा पोटा है, ओनली पोटा बना रहा हूँ आज, देख सकते हो दोस्तों। ये मेरा पूरा हाफ के जी पोटा है। आधी से मेरा गल गया है और इसमें डालेंगे पोटा। तो हाफ के जी मेरा पोटा था। दाल को करीब उसको 5 मिनट भूनना है दोस्तों। अब इसको 2 मिनट ढक देना है। ये 2 मिनट का हो गया दोस्तों। अब इसको चला के देख रहा हूँ, देख सकते हो तेल लग रहा है। अभी मेरा 2 मिनट हुआ है, इतना तेल छोड़ दिया, देख सकते हो मेरा। अब इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूँ दोस्तों, जो है वो आलू, जो पहले से मैं ताल लिया था। चलो बस छोड़ दो, फिर से ढक दो, फिर से इसको 2 मिनट ढक देना है दोस्तों। ये टोटल मेरा 4 मिनट हो गया दोस्तों, देख सकते हो पोटा किस तरह लग रहा है। तेल छोड़ दिया पोटा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा तीखा। अब डाल रहे थे तीखा लाल। चला इसको डाल के चला लेना अच्छे से दोस्तों। अब इसमें डालेंगे हल्दी दोस्तों, बस 2 चम्मच हल्दी डालना है। डाल के इसको 2 मिनट इसको भी भूनना है। देख सकते हो मेरा पोटा क्या लजवा लग रहा है दोस्तों। ये मेरा सब हो गया दोस्तों। अब इसमें डालेंगे जीरा गोलकी का पेस्ट, बस इतना ही डालना है। डाल के इसको भी करीब 2 मिनट चलाना दोस्तों। एक चीज और ऐड कर देना है, वो है टमाटर। दोनों को करीब 2 से 3 मिनट चलाना है, तो मेरा पोटा प्लेट पोटा हो ही है। अब इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 ठो गरम मसाला। बस हो गया, डाल के इसको चला लेना है। अब इसमें ऐड करें थोड़ा सा पानी,
बस इतना ही पानी डालना है। अब हो गया मेरा, इसको 2 मिनट और देना है टाइम। फोटा मेरा रेडी हो गया, उसमें ऐड करो धनिया पत्ता। बस हो गया, इसको ढक के बंद कर देना है। देख सकते हो दोस्तों, फोटा मेरा बनकर रेडी हो गया। कितना लाजवाब लग रहा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाए इससे वीडियो देखने के लिए।